कई लोग हमने ऐसे धूर्त देखे संसार में, दान तो देंगे पर नाम घोषित करवाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, 10 रुपया दान देंगे माइक पे भूल जाए, माइक से नाम भूल जाए, वरना लोग जानेंगे ही नहीं कि हमने दान दिया। ऐसे ही एक महाशय एक बार एक मंच पे गए, उन्होंने गुप्त दान दिया। जो माइक वाला था उससे कहा सुनो नाम नहीं बता, गुप्त दान गुप्त दान गुप्त दान। माइक पर बोलने वाले ने बोला भगवान की बड़ी कृपा आज 10,000 रुपए का गुप्त दान आया है। अब इनको ऐसा गुप्त दान दिया कि इनका दिमाग खराब, ये फिर बोले सुनो एक बात और बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं पर है। तो माइक वाले ने हाँ 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 जो अभी गुप्त दान की बात हमने बताई थी वो यहीं पर बैठे यहीं है। थोड़ी दूर और लगा ये फिर गए, बोले सुनो सुनो एक बात और कह दो जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं पे मंच पे ही बैठे। अब माइक वालों बड़ो टेंशन, अब लेकिन 10,000 रुपया दान में दिए क्या दिक्कत। हाँ हाँ सुनो सुनो जो गुप्त दान की बात बताई थी वो यहीं पर है मंच पर ही बैठे हैं। अब थोड़ी दूर फिर लोगन की तरफ देखा फिर पहुंचे, अच्छा सुनो सुनो उनसे ये कह दो कि मंच पर वो जिन्होंने गुप्त दान दिया वो दाहिने तरफ बैठे, दाहिने साइड। अब माइक वाला बड़ा परेशान, माइक वाला फिर बोला बोला हाँ हाँ जो अभी गुप्त दान कुछ देर पहले बताया था वो भाई साहब यहीं पर हैं मंच पर हैं दाहिने साइड। थोड़ी देर में फिर इनको लुक लुकी लगी तो ये फिर पहुंचे, बोले सुनो सुनो इतना और कहते कह तुम मंच पर दाहिने साइड 3 कुर्सी डालकर बैठी तीसरे नंबर पर। अब माइक वाला भी रहा था चंगी लाल, माइक वाला भी बोला भाड़ में गो अपने बाप को नाम का नहीं बता देता, तुम्हारे बाप का नाम बता। अब वो इतने खींच गए कि उन्होंने चेक तो दी पर चेक में साइन नहीं कर लिया। अच्छा बाद में चेक वालों ने देखा कि गुप्त दान तो आया पर साइन तो है नहीं, दस्तखत तो है नहीं, हस्ताक्षर तो है नहीं, ये चेक कैसे बनेगी। तो बाद में उनके घर गए कि आपने चेक तो दी पर ये चेक में आपने हस्ताक्षर, बोले गुप्त दान में नाम लिखा ही नहीं जाता है। गुप्त दान है वो तो, गुप्त दान में काहे तक नाम, गुप्त दान में कोई नाम नहीं। कुछ ऐसे भी दानी है। अच्छा हम इस बात को हम आपको विनोद के लिए हंसी के लिए नहीं बता रहे, इस बात के लिए समझाना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति पुण्य करता है तो संसार को बताना चाहता है कि हम पुण्य कर रहे हैं, और जब पाप करता है तो किसी को बताता नहीं है। बस लफड़ा ये हो जाता कि पाप पूरा का पूरा तुम्हारे जीवन में रहता, पुण्य जो जो कानों से सुनता उसमें बट जाता, तो पुण्य की मात्रा कम रहती, पाप की मात्रा ज्यादा रहती, जीवन में घाटा ज्यादा होता। होना उल्टा चाहिए। रहीम बाबा से किसी ने पूछा कि जब तुम दान देते हो तो नीचे सिर क्यों रख लेते, तो रहीम बाबा ने सुंदर दोहा कहा, आहा देने हार कोई और है भेजत है दिन रे, और लोग भरम हम पर करे याते नीचे ने। हमने दान में सुना, हमारे दादा गुरुजी कहते थे दान ऐसा दो कि देने वाले भर को पता लगे तुम्हें ना पता लगे कि तुमने दान दिया कि नहीं दिया। दान तो वो है, लेकिन आजकल को दान तो भगवान ही बचाए।